गंगा नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल रखा है। पंजाब द्वारा राजस्थान को सिंचाई का पानी न दिए जाने पर दिल्ली की तर्ज पर किसानों ने यहां भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। किसानों ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जब तक उन्हें उनके हक का पानी नहीं मिलेगा वे यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अपने साथ वे कूलर, पंखे, गद्दे आदि भी लेकर आए हैं। मजदूर समिति किसान नेता रणजीत राजू ने कहा कि किसान अब बर्बादी की स्थिति में आ गए हैं। सिंचाई पानी की पूरी मात्रा न मिलने से किसानों की फसल खराब होना तय है। राजस्थान, पंजाब और केंद्र सरकार उनकी समस्या को हल्के में ले रही है। लगातार 16 दिन से किसान धरने में बैठा हुआ है, पक्का मोर्चा लगा के बैठा हुआ है। अंत पंत हमने किसानों ने पूरी कलेक्टर को छत कर दिया। आज किसी भी कर्मचारी को अधिकारी को हमने अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन दुखी बात यह है कि हमारी सरकार को जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास करने नहीं, केवल अभी तक सिंचाई मंत्री चंडीगढ़ पहुंचा है। जबकि सिंचाई मंत्री चंडीगढ़ जाने के बाद विफल होकर आने के बाद मुख्यमंत्री के राजस्थान सरकार के दायित्व खत्म हो जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान का है, BBMP है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। हमारे CMO को प्रधानमंत्री कार्यालय से समय लेकर उनको कहना चाहिए कि कोई भी स्टेट अंतर्राज्य समझौतों के तहत चलती है।